हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है सैमसंग का 32 इंच LCD टीवी, तो जिसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मोबाइल के फ्लैश से देखने पे इसमें ब्लू लाइट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कोई नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, LA32R51BA, इसका मॉडल नंबर आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका पावर सप्लाई दिखाते हैं। यह आप पावर सप्लाई इसका देख सकते हैं, यह इसमें PFC पावर सप्लाई लगा हुआ है। और इसका कनेक्शन किस तरह से किया गया है, इस लॉजिक कार्ड का या जो यूनिवर्सल बोर्ड आता है 56U11.2, और इसका जो इन्वर्टर सेक्शन है यह इसमें अलग से दिया हुआ है, यानी कि यह CFL इन्वर्टर इसमें लगा हुआ है। तो इस कार्ड को किस तरह से सप्लाई ऑपरेट किया गया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यह इसका जो पैनल का वोल्टेज है, इसके पावर सप्लाई से डायरेक्ट दिया गया है। यह 5 वोल्ट से ज्वाइन किया गया है, आप देख सकते हैं PCB में 5 वोल्ट लिखा हुआ है। और यह वाइट कलर का जो वायर है, यह इस लॉजिक बोर्ड को दिया गया है इसके पॉजिटिव में, और ग्रीन कलर का जो वायर है इसके ग्राउंड में ज्वाइन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें बैकलाइट का कोई वायर ज्वाइन नहीं है बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो रेड वायर है यह 5 वोल्ट से ज्वाइन किया गया है, जो कि इसका सेम प्रिंट है। इसमें इसका जो प्रिंट था वह ख़राब था, तो यहाँ पे एक जम्पर दिया गया है। अगर मैं इस यह सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर यह बोर्ड लगाना हो इस टीवी में तो आप आसानी से लगा सकें। तो हम आपको एक बार पावर देके इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11.98 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है, और बैकलाइट के जो इन्वर्टर सेक्शन है वहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ से होके जा रहा है, और पैनल पे 5 वोल्ट इस वाले वायर जो कि ब्राउन कलर का यह वायर है, यह पैनल पे 5 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.1 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो यह 12 वोल्ट और 5 वोल्ट ओके है। तो उसके बाद हम इन्वर्टर सेक्शन पर चलते हैं। तो इन्वर्टर सेक्शन के पास आपको 24 वोल्ट से यह ऑफ रूट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24.8 वोल्ट, यानी कि यह भी पावर ओके है। तो यहाँ पे जो कि 1, 2, 3, 4 पिन तक आपको 24 वोल्ट मिलेगा, उसके बाद ग्राउंड मिलेगा, और उसके बाद बैक लाइट ऑन, डीम, और इसका 5 वोल्ट जो कि सेट को ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो आप सब यहाँ पे लिखा रहेगा, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे वोल्टेज आपको दिखा दिया हूँ। उसके बाद हम इसका इन्वर्टर सेक्शन को ओपन कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सारे पावर जो मिलना चाहिए हमको, सारे वोल्टेज ओके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसका इन्वर्टर सेक्शन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 CFL इसमें लगा हुआ है। तो बारी बारी से हम CFL का सारे वायर को डिस्कनेक्ट करके इसके मेन DT को हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला है, तो यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग इसमें K का लोड ले रहा है, यानी कि यह हाई ओम्स का दिख रहा है, और ऊपर वाला जो है 1.3K का ले रहा है। तो यह दोनों सीरीज में जॉइंट रहता है, दोनों DT। तो बारी बारी से आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो हम दूसरा जो इसका CFL है उस DT को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा वाला बिल्कुल ओके दिख रहा है, और तीसरा हम देखते हैं तो यहाँ पे 4.78K का लोड ले रहा है, और उसके नीचे वाला जो इसका DT है वह 1.3, यानी कि वह ओके है। तो इस तरह से आप भी सारे DT को चेक कर सकते हैं बारी बारी से। तो मैंने सारे DT को चेक किया, और जो जो ख़राब था वहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया है, यह आप देख सकते हैं। यह हमने जब टेस्ट किया तो यहाँ पर 3 DT हमको ख़राब मिला है हाई ओम्स का। तो आपको अगर सेम DT मिले तो आप DT को चेंज करके
इस पीसीबी को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो यह जो आप आईसी देख रहे हैं, आईसी से हम इसका प्रोटेक्शन रिमूव करके यह सेट को ऑन कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन मोड आप किस तरह से इसका रिमूव करेंगे, इसके लिए आपको इसका 21 पिन को रिमूव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लग के यह 3 लेग का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि यह स्विचिंग कराता है। तो यह रेजिस्टेंस को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद हमको एक एलईडी का ज़रूरत होगा जो कि 1.5 वोल्ट का होना चाहिए, यह आप देख सकते हैं। तो इस एलईडी को आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है एक लेग 21 नंबर पिन पे आईसी के, और एक पिन ग्राउंड पे आपको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से हम एक ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह जो ट्रांसफार्मर सॉरी यह कैपेसिटर लगा हुआ है यह माइनस है, और यहाँ से एक हम लेग इसका ग्राउंड कर देते हैं जो माइनस वाला पॉइंट है, और पॉजिटिव वाले पिन को हम आईसी के 21 नंबर पिन पे ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी का मैंने पिन ज्वाइन कर दिया इसके 21 नंबर पिन पे। इस तरह से आप इसमें दो आईसी लगा हुआ है सेम नंबर का, तो दोनों आईसी के सेम पिन को आपको ग्राउंड पे एक एलईडी लगा के इसके 21 नंबर पिन पे ज्वाइन कर देना है, जैसा मैंने इस पीसीबी में ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों एलईडी लगा हुआ है। तो दोनों एलईडी लगाने के बाद हम इसमें जो जो इसमें डीटी ख़राब था उसका सीएफएल मैंने ओपन करके, और इसका जो सीएफएल यानी कि यह ट्रांसफार्मर जिसका ठीक था उसका सीएफएल का वायर मैंने ज्वाइन कर दिया है पीसीबी से। उसके बाद हम इसमें पावर देते हैं, पावर देके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पावर देने के बाद इसका बैकलाइट ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद हम आपको एक बार डिस्प्ले दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रंट में किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ आ गया है, और 3 लाइनिंग दिख रहा है, या नीचे की साइड से हम देख रहे हैं तो इसलिए इसमें लाइनिंग दिख रहा है, और जो जो सेफल बंद था वहाँ पर लाइनिंग दिख रहा है। इसी तरीके के ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको मैं एक बार टीवी भी चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैमसंग लिख के आ गया है, और पिक्चर भी चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पिक्चर बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।